गाइस आज हम बात करने वाले एज ए क्वालिटी इंजीनियर, जब आप फ्रेशर ज्वाइन करते हो किसी भी आरएमसी में या फिर किसी भी साइट में, तो कुछ मेंटेनेंस वर्क रहता है। आज हम मेंटेनेंस के बारे में बताने वाले। तो मेंटेनेंस वर्क आपको किस तरह से करना पड़ता है, तो सबसे पहला मेंटेनेंस जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ मिक्सर का। ये जो पेन मिक्सर आप सामने देख पा रहे हो, इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, इसमें ट्रायल मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो ट्रायल मिक्स करने से पहले या फिर करने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आप देख पा रहे हो ये हमारा मिक्सर है, इसमें ट्रायल हुआ था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्रायल करने के बाद ये देखिए यहाँ पे जो कंक्रीट जमा हुआ रहता है इसके अंदर, इसको अच्छी तरह से आर्म हो गया ये, ठीक है। ये आर्म में जो कंक्रीट चिपका हुआ रहता है, ये ड्रम है, इसमें कंक्रीट चिपका हुआ रहता है, नीचे प्लेट में कंक्रीट चिपका हुआ रहता है, उसको अच्छे से हम वॉश कर देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से पानी मार के उसको अच्छे से वॉश कर देना है। अच्छे से इसको वॉश करने के बाद फिर इस तरह से आप एक कपड़ा ले लो, देखिए इस तरह से आप कपड़ा लेके उसके अंदर का जो पानी है उसको साफ कर लोगे आप, कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपको पानी को साफ कर लेना है ताकि इसके अंदर पानी बिल्कुल ना रहे। पानी जैसे आपका पूरा क्लीन हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें ऑयलिंग करना है। तो ऑयलिंग का भी क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपका वाटरिंग करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से इसका जो गेट है इसको लॉक कर देना है, ठीक है। इस तरह से इसको लॉक करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें ऑयलिंग करना है, ठीक है। ये हो गया ऑयलिंग आपका। ये जो ड्रम है, ये ड्रम के चारों ओर आपको ऑयल लगाना है। ये आर्म है, आर्म में ऑयल लगाना है, नीचे में ऑयल लगाना है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको ऑयल लगा के लेना है। ऑयल लगाने से क्या होता है कि इसमें जो कंक्रीट है, कंक्रीट चिपकता नहीं है। तो कंक्रीट अगर इसमें चिपक जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है, इसका चिपिंग करना पड़ता है। चंदी हथौड़ी से इसका आपको प्रॉपर तरीके से चिपिंग करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कंक्रीट जमा होगा, आर्म टूटने का चांसेस भी ज़्यादा होता है, उसके ऊपर लोड आता है। तो इसके लिए इसमें ऑयलिंग किया जाता है। ऑयलिंग करने से आपका एक ये फ़ायदा हो जाता है कि इसमें जो है ना कंक्रीट ज़्यादा नहीं चिपकता है। तो कुछ इस तरह से उसका नॉर्मल मेंटेनेंस होता है, इतना कुछ खास नहीं रहता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने पहले ही बताया, इसमें वाटरिंग किया जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से साफ़ किया जाता है, वाटर से क्लॉथ से साफ़ किया जाता है वाटर को, उसके बाद उसमें बॉइलिंग किया जाता है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल मेंटेनेंस हो गया। उसके बाद आपका जो नीचे इसका कुछ मोटर रहता है, देखिए ये मोटर रह गया, मोटर आपको चेक करना है कि इसमें मोटर में कुछ दिक्कत तो नहीं आ रहा है, इसका साउंड वगैरह नहीं आ रहा है। अगर साउंड वगैरह कुछ ज़्यादा आ रहा है तो आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जो स्टाफ रहते हैं उनको दिखाना है, दिखा के उसका सर्विसिंग करवा के लेना है। उसके बाद जब चलता है तो ये बेल्ट में भी आपको थोड़ा हल्का सा ध्यान देना पड़ता है, ये बेल्ट टूटा उटा है कि नहीं, ढीला है कि नहीं। अगर ये बेल्ट ज़्यादा ढीला है तो वो ज़्यादा लपकेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये बेल्ट चेंज करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो नॉर्मल है वो सब आपको चेक करना पड़ता है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे ग्रीसिंग होता है, ये ग्रीसिंग वगैरह भी इसमें है कि नहीं वो भी आपको देखना है। अगर नहीं है तो उसमें भी ग्रीसिंग करवा के लेना है। तो कुछ इस तरह से जो नॉर्मल मेंटेनेंस रहता है आपका मिक्सचर का, ये आपको मेंटेनेंस करना है। अगला जो मेंटेनेंस आपको करना है उसके बारे में मैं सेकंड हमारा जो मेंटेनेंस वर्क है वो हो गया ये वाइब्रेटर टेबल। देखिए ये दिखाने वाला हूँ मैं सेकंड में। ये वाइब्रेटर टेबल हो गया, यहाँ पे हम क्यूब को कास्टिंग करते हैं, ठीक है। तो क्यूब कास्टिंग करने के लिए इस वाइब्रेटर टेबल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ये स्टैंडर्ड है, तो इसका जो मेंटेनेंस रहता है वो जनरली ज़्यादा कुछ खास नहीं रहता है। देखिए कुछ इस तरह से क्यूब कास्टिंग करने के बाद इसमें मटेरियल गिर जाता है, तो उस मटेरियल को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। कुछ इस तरह से आपको उसको क्लीन कर लेना है, ठीक है। क्लीन करके अच्छी तरह से उसको क्लीन करना है, उसमें डस्ट वगैरह रहेगा तो उसको निकाल देना है साइड में। अगर मान लीजिए कोई कंक्रीट वगैरह गिर गया है, ठीक है, चिपक गया है, तो उसको प्रॉपर तरीके से साफ़ कर देना है। उसके बाद नीचे बॉटम में देखिए तो ये उठा भी सकते हैं हम लोग, बॉटम में जो मटेरियल वगैरह पड़ा हुआ रहता है उसको आपको झाड़ू मार के साफ़ कर देना है अच्छे से, ठीक है। यह सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें आपको चेक करना है। उसके बाद क्या चेक करना है आपको, देखना ये जो बेल्ट है, ये देखिए ये बेल्ट है, मोटर का बेल्ट है, इसको आपको चेक करना है ये ढीला है कि टाइट है, ये सब चीज़ें। उसके बाद मोटर साफ़ है कि नहीं, उसमें डस्ट वगैरह आ रहा है तो उसको साफ़ कर देना है, ठीक है। कुछ ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो कि आपको चेक करना पड़ता है। तो इतना ही खास है, इतना कुछ खास नहीं। उसके बाद क्या और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ऑयलिंग भी किया जाता है। ऑयलिंग करने का मतलब क्या होता है कि इसमें जो कंक्रीट है, कंक्रीट गिरता है ना तो वो चिपकता नहीं है कंक्रीट, इसलिए इसके ऊपर हम ऑयलिंग भी करके रखते हैं। ये देखिए साइड में आपको ऑयल दिख रहा होगा, ये ऑयल है, ठीक है। यहाँ पे ऑयलिंग भी किया जाता है ऊपर में,
अब हम 3 नंबर में रखने वाले हैं क्यूबमोड। क्यूबमोड की जो मेंटेनेंस वर्क होती है वो कुछ इस तरह से, जो आप देख पा रहे हो, ये देखिए ये यहाँ पे जो है ना कंक्रीट चिपक जाता है, ये अंदर देखिए ये कंक्रीट चिपक जाता है। इससे वजह से क्या होता है, गैपेज जनरेट होता है। यहाँ पे देखिए ये गैपेज जनरेट हो गए, तो इससे क्या होगा, ये इसमें टॉलरेंस आएगा और आपका क्यूब का जो शेप है वो प्रॉपर नहीं बनेगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसका जो है ये नट पूरा रिमूव कर दिया जाता है। इसको नट को पूरा रिमूव करके प्लेट को अलग अलग किया जाता है। प्लेट को अलग अलग करके उसका जो साइड का जो कॉन्क्रीट है, ये देखिए यहाँ पर जो कॉन्क्रीट चिपका हुआ है उस कॉन्क्रीट को अच्छी तरह से क्लीन किया जाता है। उसके बाद वो प्लेट में ऑयलिंग किया जाता है। ऑयलिंग करने के बाद उसको रीमोल्डिंग किया जाता है, ठीक है, नट से उसको फिर से उसको कस दिया जाता है। तो देखिए अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उसको रिमूव करना पड़ता है। ये नट है, ये नट को पूरा निकाल देंगे। निकालने के बाद ये प्लेट को भी पूरी तरह से निकाल देंगे। निकालने के बाद कुछ इस तरह से आपको उसको क्लीनिंग करना है। ये देखिए ये पूरा चिपक जाता है, कंक्रीट चिपकने के बाद इसको आपको अच्छी तरह से चिपिंग करना पड़ता है। यहाँ पे पूरा क्लीन होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपका जो क्यूब मोड है वो भी प्रॉपर तरीके से बन जाता है। तो इसके लिए इसका जो मेंटेनेंस वर्क है, हालांकि डे टू डे चालू रहता ही है, ठीक है, उसके बाद आपको एटलीस्ट वीकली नहीं कर सकते हो तो आप मंथली भी उसको करो प्रॉपर तरीके से। इसको पूरा प्लेट कुछ इस तरह से सेपरेट पार्ट पार्ट निकाल दो उसका। निकालने के बाद उसको अच्छी तरह से क्लीन करो। क्लीन करने के बाद उसमें ऑयलिंग लगाओ, हाँ ऑयलिंग करो। ऑयलिंग करने के बाद फिर इसको आप जोड़ दो तो ये आपका मोड अच्छा हो जाएगा। फिर 1 महीना आराम से चलेगा। देखिए कुछ इस तरह से आपको ये साइड में ऑयल लगा देना है। जहाँ से नाट आपका बैठेगा वहाँ से ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने से क्या होगा, अंदर में जो कंक्रीट है दोबारा नहीं चिपकेगा, ठीक है। इसको लगा दो अभी, हाँ लगा, नहीं वो प्लेट लगाओ ना, जब आप अच्छी तरह से उसको पूरा कर देते हो तो आप देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल टॉलरेंस नहीं दिखेगा। तो आपको जैसे मैंने बताया है इस तरह से आपको उसका मेंटेनेंस करना है। आपका फाइनल सब होने के बाद फिर इसमें आपको ऑयलिंग अच्छे से कर देना है। ऑयलिंग करके इसको आपको रख देना है। तो ये हो गया क्यूब मोड का मेंटेनेंस, ठीक है। बाकी जो लेबोरेटरी के अंदर आपका जो इक्विपमेंट्स रहता है उसका जो जनरल मेंटेनेंस वर्क होता है, जैसे कि आपका सीटीएम मशीन हो गया, ठीक है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन है, तो उसको आपको क्या करना है, डेली के डेली उसका आपका मेंटेनेंस रहता है। उसका मेंटेनेंस क्या हो गया कि आपको कपड़े से उसको प्रॉपर तरीके से साफ करना है। इसमें जो डस्ट वगैरह रहता है मेन हो गया आपका, ये यहाँ पे जैक रहता है, देखिए इसके नीचे जैक रहता है, तो इसको आपको क्या करना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है। जब भी आप उसका क्यूब लगाते हो, क्यूब का आपका टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग होने के बाद जो कंक्रीट यहाँ से नीचे गिरता है उसको आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से साफ कर देना है। साफ करने से क्या होगा, सिलेंडर के जो अंदर है ना, इसमें अभी हालांकि एक सिस्टम दिया हुआ है, ऐसा है कि देखिए यहाँ से ये अंदर घुसता नहीं है, ये सिलेंडर को एक कवर दिया गया है। पर बाकी कुछ कुछ ऐसे सीटीएम होता है जिसमें कवर नहीं है सिलेंडर में, तो सिलेंडर के अंदर डायरेक्ट चला जाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक कपड़ा जो है लपेट के रखना पड़ता है। तो कपड़ा लपेट के रखोगे तो क्या होगा कि जो डस्ट है वो कपड़े के ऊपर गिर जाता है और अंदर नहीं जाता है सिलेंडर की। तो अगर ज़्यादा अंदर अगर डस्ट जाता है तो उससे क्या होता है कि आपका सिलेंडर जाम होता है। सिलेंडर जाम होने की वजह से आपका जो जैक है वो ऊपर नहीं आता है। तो जैक ऊपर अगर नहीं आएगा तो वो प्रेस नहीं करेगा, ठीक है, क्यूब को। अगर क्यूब का प्रेस नहीं करेगा तो आपको रिकैलिब्रेशन उसका सर्विसिंग करके करवाना पड़ेगा, तो ये आपको दिक्कत आएगी। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको उसको प्रॉपर तरीके से साफ करना है, साफ करके रखना है। उसके बाद ये देखिए ये जो थ्रेड है इसमें, इसमें क्या होता है कि आपको इसमें ग्रीसिंग करना पड़ता है। ग्रीसिंग लगाने से क्या होगा, ये फ्री घूमेगा कुछ इस तरह से, ये देखिए ये फ्री घूमता है, ठीक है। और ऊपर का भी आपको प्रॉपर तरीके से उसको साफ़ करना है, ग्रीसिंग करना है। हालांकि साइड से जो भी ग्रीस आपका निकल के आता है उसको साफ़ कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे भी देखिए, यहाँ पे भी अगर ग्रीस ज़्यादा आ जाता है उसको निकलना है, नहीं तो फिर वो ग्रीस बाहर भी आ सकता है। तो ये नॉर्मल सर्विसिंग हो गया, नॉर्मल सर्विसिंग जो आपको करना पड़ता है। ये हो गया आपका सीटीएम का सर्विसिंग।
आपका मेंटेनेंस अगला जो मेंटेनेंस में बताऊंगा वो हो गया हमारा EIV एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, उसके बाद आपका एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू ये है, आप देख सकते हो ये सबका मेंटेनेंस। ये सबका मेंटेनेंस भी कुछ इस तरह से रहता है कि जब आप टेस्ट करते हो, टेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इनको ये देखिए ये जो नट है ठीक है, ये ढीला भी होता है, ये देखिए ये ढीला हो जाता है, तो इसको आपको चेक करना है ये टाइट है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सब जिग जो है ना उसको आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है। उसके बाद नीचे जो आपका मोड वगैरह रहता है उसको साफ करना है, और इसके नीचे ये देखिए इसको भी आपको साफ करना पड़ेगा लगाने से पहले, नहीं तो क्या होगा यहाँ पे अगर एग्रीगेट रहेगा ये प्रॉपर मोड आपका बैठा नहीं तो ये टूट सकता है, नीचे से डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए उसका भी जो मेंटेनेंस है वो जरूरी है, उसको प्रॉपर तरीके से देखना है। इसमें हल्का सा ऑयलिंग भी करना पड़ता है, इसमें ये जो रॉड आपको दिख रहा है स्टेन है, इसमें हल्का सा आपको ऑयलिंग करना पड़ता है। ऑयलिंग करने से ये जाम नहीं होता है ठीक है, अगर ये जाम हो रहा है तो आपका हैमर फंसेगा, हैमर फंसने की वजह से आपको दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए इसका मेंटेनेंस आपका कुछ इस तरह से हो जाता है। इसको क्लीन करना है, क्लीन करने का करना ही वही आपका एक मेंटेनेंस। उसके बाद आपको और एक बताता हूँ जो मेंटेनेंस किया जाता है, ये हमारा CO हो गया ठीक है, GIC हो गया, उसके बाद अपना ब्रश हो गया, तो ये सब का जो मेंटेनेंस रहता है कुछ इस तरह से, जैसे कि जब भी हम उसका ग्रेडेशन करते हैं सीओ एनालिसिस टेस्ट करने के बाद, ये जो सीओ है देखिए यहाँ पे एग्रीगेट वगैरह, एक मिनट गिर गया है, इसमें एग्रीगेट वगैरह फंस जाता है, देखिए इसमें एग्रीगेट फंसता है, उस एग्रीगेट को आपको निकालना है। बड़ा सीओ में बहुत कम फंसता है, छोटा सीओ में फंस के रह जाता है, उसके बाद यहाँ से अंदर घुस जाता है डस्ट वगैरह, तो आपको कुछ इस तरह से ये करना है, शेक करना है। इसमें इससे क्या होगा, इसके अंदर जितने भी जो डस्ट फंसा हुआ है, जो मटेरियल फंसा हुआ है वो निकल जाता है ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो सीव का जो लाइफ लाइन है ना वो थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद आपको उसको कपड़े से साफ करके रखना है, कपड़े से साफ करने से थोड़ा अच्छा होता है। ये हो गया नॉर्मल मेंटेनेंस है इसका, ये जो छोटा सीव है और जो बड़ा सीव है दोनों का सेम मेंटेनेंस रहता है। आपको इस तरह से आप जब भी टेस्टिंग करते हो, टेस्टिंग के बाद आपको अच्छे से उसको साफ करके रखना है, कपड़े से आप उसको साफ करो। उसके बाद मैंने जैसे बताया अभी उस तरह से उसके अंदर जो मटेरियल फंसा हुआ रहता है उसको निकाल देना है। तो ये हो गया आपका सीव का। डेंसिटी बकेट के बारे में, डेंसिटी जो बकेट है इसका भी सेम प्रोसेस रहता है। इसमें क्या रहता है कि जब आप उसकी डेंसिटी चेक करते हो ठीक है, बल्क डेंसिटी चेक करते हो एग्रीगेट के लिए, तो एग्रीगेट के लिए अपना जो डेंसिटी बकेट होता है वो होता है 10 लीटर का ठीक है। उसके बाद हम कंक्रीट के लिए भी 10 लीटर या 15 लीटर यूज़ करते हैं ठीक है। एग्रीगेट का जो डेंसिटी आता है वो फाइन एग्रीगेट के लिए छोटा बकेट आता है, इसके अंदर शायद रहना चाहिए आई थिंक है, ये छोटा वाला है यहाँ पे रख दिए इन लोगों ने, लड़के लोगों ने, तो ये छोटा हो गया 3 लीटर का हो गया, और ये 15 लीटर का फिलहाल हमारे पास अवेलेबल है, दो डेंसिटी बकेट है। तो इसका जो मेंटेनेंस आपका रहता है कि आप जब भी डेंसिटी चेक करते हो उसके बाद आपको क्या करना है, उसको कपड़े से अच्छे से साफ करना है अंदर से बाहर से, और ऑयलिंग इसमें इसलिए नहीं करना है कि ऑयल की वजह से क्या होगा और जो डस्ट है ना उसमें चिपक जाएगा, तो इससे आपको दिक्कत आ सकती है। हाँ, जब आप फ्रेश कॉन्क्रीट की डेंसिटी चेक करते हो तब आपको क्या करना पड़ता है कि इसमें ऑयलिंग करना पड़ता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अंदर से और बाहर से आपको ऑयलिंग करना पड़ता है। ऑयलिंग करने से आपका फ़ायदा क्या होता है कि उसमें कंक्रीट नहीं चिपकता है, कंक्रीट के समय आपको उसमें ऑयलिंग करना जरूरी है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल मेंटेनेंस। इस तरह से आपका इसका भी आ जाता है, वेट बैलेंस का भी आता है, वेट बैलेंस को आपको साफ करना है, साफ करके उसको रखना है ठीक है, कपड़ा उपड़ा मार के इसके ऊपर में ये देखिए ये निकल जाता है बट्टी, इसको निकालना है, ये भी साफ करना है। इसमें क्या रहता है, डस्ट वगैरह रहेगा उसकी वजह से उसका वेट भी थोड़ा बढ़ सकता है, उसमें टॉलरेंस आ सकता है आपका, और इसका कैलिब्रेशन बिगड़ सकता है, इसलिए आपको उसको हमेशा साफ करके रखना है। पानी वगैरह बिल्कुल लगाना नहीं है, पानी से क्या होगा इसका इलेक्ट्रिसिटी बिगड़ सकता है, उसका कैलिब्रेशन बिगड़ सकता है, इससे आपका वेट में वेरिएशन आ सकता है, तो इसलिए उसको साफ करना है, पानी से उसको बचाना है आपको। जहाँ पे आप उसको वेट के लिए यूज़ कर रहे हो वहाँ पे अगर पानी वगैरह कॉन्टेक्ट आ रहा है तो उसको साइड में रखना है, पानी के साइड में बिल्कुल नहीं रखना है। उसके बाद अच्छे से उसको साफ सफाई करके रखना है, और सूखे कपड़े से ही साफ करने का है ठीक है। ये वेट बैलेंस का हो गया, ये अपना ये हो गया एलोंगेशन गेज और अपना लेंथ गेज हो गया ठीक है, फ्लैकनेस ओलेंगेशन के लिए, इनका भी कुछ खास मेंटेनेंस नहीं रहता है, इनका भी वही रहता है कि इसमें हल्का हल्का आप कपड़ा मार दो ये साफ़ हो जाता है ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आपका, ये सॉइल का तो छोड़ दीजिए, इसका बताता हूँ
यस अपना विकेट अपैरेटस, विकेट अपैरेटस का भी सेम वैसा है। इसमें ये देखिए, इसके अंदर आपका ऑयलिंग होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक ऑयल इसमें आपको डालना पड़ता है। इससे क्या होगा, आपका ये जो है ना, ये देखिए थोड़ा हल्का सा जाम हो जाता है। जब हम इसको लॉक को निकालते हैं तो ये धीरे से इसको प्रेस करता है और वो धीरे धीरे उसकी प्रेशर से नीचे जाता है। तो इसके लिए ऑयलिंग करने से क्या होगा, इसके अंदर ऑयल डालने से वो जाम नहीं होगा, ठीक है, और जाम नहीं होगा तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। उसके बाद उसको साफ करके रखना है अच्छे से, और ये मोड में जो है ना, आपको इसमें ऑयलिंग करके रखना पड़ता है ताकि इसमें सीमेंट ना चिपके, ठीक है। कांच को भी अच्छे से आपको साफ करना पड़ता है, ये कांच को साफ करके रखना पड़ता है, इसमें भी आप ऑयल लगा सकते हो, ठीक है। ऑयल लगाने से क्या होगा, इसमें भी कॉन्क्रीट नहीं चिपकेगा, ठीक है, सेम उसी तरह से। उसके बाद आपका आ जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए अपना बोतल आता है, पिकनोमीटर बोतल। उसका भी कुछ खास नहीं है मेंटेनेंस, आपको जब भी आप टेस्ट करते हो, टेस्ट करने से पहले आपको उसको चेक करना है कि ये थ्रेड वगैरह प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं है। उसके अंदर ऑयल सील रहता है, ऑयल सील वो प्रॉपर तरीके से वर्क अच्छा है कि नहीं, अगर अच्छा नहीं है तो आपको दूसरा ऑयल सील यूज़ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका वाटर जो लीकेज होता है ना, वाटर लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये पिकनोमीटर बोतल हो गया। उसके बाद आपके पास जार हो गया, जार का भी कुछ इस तरह से उसको साफ सफाई करके क्लीन करके आपको रखना पड़ता है, ठीक है। स्क्रैच वगैरह उसमें कुछ ऐसे चीज़ों से उसको साफ नहीं करना है जिससे उसमें स्क्रैच पड़ जाए, ठीक है। तो उसका भी ऐसे ही नॉर्मल अगला आपका आ जाता है, जैसे स्लमकुन हो गया। स्लमकुन में का भी कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए आप एक चीज़ें बताता हूँ। इसमें ये लड़के लोगों ने साफ नहीं किया, इसकी वजह से क्या है, इसमें कंक्रीट चिपक गया है, देखिए। या कंक्रीट चिपकने की वजह से अब उनको क्या करना पड़ेगा, इसमें हथौड़ी से चिपिंग करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि ये थोड़ा अंदर की तरफ चला चपटा हो जाएगा या फिर ख़राब भी हो सकता है। तो इसके लिए जब भी स्लम टेस्ट किया जाता है तो सबसे पहले अंदर से बाहर से उसको प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग करना है, ठीक है। ये स्टेन को भी ऑयल करना है, उसके बाद ये नीचे का जो बेस प्लेट है इसको भी ऑयल लगाना है, ठीक है। ये जो नट है आपका, ये लॉक है ये, ठीक है, इसमें भी ऑयल लगाना है आपको ताकि उसमें कंक्रीट ना चिपके। जब आप उसमें ऑयलिंग अच्छे से करोगे तो उसमें कंक्रीट नहीं चिपकेगा और आपको काम करने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो इसका भी कुछ इस तरह से नॉर्मल मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस आपको उसको पानी से वॉश करना है, उसमें ऑयलिंग करके रखना है, बस इसका यही एक नॉर्मल मेंटेनेंस है, बाकी कुछ खास नहीं है। उसके बाद नट वगैरह आपको चेक करना है, वो प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसको प्रॉपर तरीके से करके लेना है, बस ये नॉर्मल सी मेंटेनेंस रहती है। तो ये थी कुछ खास जानकारी हमारी लेबोरेटरी के बारे में। आपको हमने बताया है कि लेबोरेटरी की जो मटेरियल है उसको किस तरह से आपको मेंटेनेंस करना है, उसका मेंटेन करना है, उसको किस तरह से क्लीन वगैरह किया जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल जो चीज़ें है, एज ए क्वालिटी इंजीनियर फ्रेशर भी आपको पता रहता है। अगर पता नहीं है तो आप ये वीडियो देख के सीख सकते हो कि किस तरह से ये सब चीज़ें करना पड़ता है। और अगर आप जब साइड में जाओगे तो दो चार दिन पाँच दिन काम करने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाता है, आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह से ये सब चीज़ों की मेंटेनेंस किया जाता है। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है मेंटेनेंस के बारे में, फिर भी मैंने सोचा है कि एक वीडियो ऐसे बना के डाल दूँ ताकि आपको भी नॉलेज हो जाए कि इसकी मेंटेनेंस किस तरह से होनी चाहिए। मेंटेनेंस देखिए इंपॉर्टेंट तो है बहुत, अगर आप उस किसी भी चीज़ों की मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे, ठीक है, तो आपका ये जो मटेरियल है, आपका जो इक्विपमेंट्स है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगी, वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। अगर जल्दी ख़राब हुई तो आपको दूसरा मटेरियल मिलने के लिए टैंक और मेंटेनेंस के बारे में बताता हूँ। एक और मेंटेनेंस जो है हमारा, ये क्यूरिंग टैंक हो गया। क्यूरिंग टैंक को हमें क्या करना पड़ता है, उसको वीकली क्लीन करना पड़ता है। वीकली क्लीन करने से क्या होता है, जो क्यूब में से जो केमिकल एक प्रॉपर्टीज निकलता है, ठीक है, वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। वाटर के साथ मिक्स होने की वजह से वाटर ख़राब हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ये वाटर को चेंज करना पड़ता है। इसलिए वीकली आप अगर इस वाटर को चेंज करते हो तो आपका जो क्यूब है उसका स्ट्रेंथ अच्छा रहता है एंड आपकी जो टैंक है वो टैंक भी अच्छा रहता है। टैंक को अच्छा रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको साफ़ करने से क्या होता है कि उसमें जो शेवला जमा होता है साइड में वो उसमें जमा नहीं होता है और नीचे का जो डस्ट है वो निकल जाता है। तो इससे आपका जो क्यूरिंग टैंक है उसका भी लाइफ लाइन बढ़ जाता है एंड आप जो क्यूब की क्यूरिंग कर रहे हो, क्यूरिंग को भी क्यूब को भी फ्रेश वाटर मिलता है। इससे क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ में भी इफ़ेक्ट पड़ता है और आपको उसमें टेम्परेचर मेंटेन करने भी एक फ़ायदा हो जाता है। आप अगर वाटर को चेंज करते हो, आपका क्यूरिंग टैंक का जो टेम्परेचर रहता है 27 ± 2 डिग्री रहता है, उसको आप मेंटेन कर पाते हो। अगर ठंडी की मौसम है तो देखिए तो वाटर जो है वो ठंडा हो जाता है। ठंडा अगर हुआ तो आपको उसमें बॉइलिंग वाटर डालना पड़ता है या फिर आप उसमें हीटर लगा सकते हो। इससे क्या होगा, आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा।
अन्यथा आप वाटर को कंटिन्यूसली चेंज करते रहो एक दो दिन में, तो इससे भी आपका वाटर जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और ये साफ़ सफाई रहने से ये अच्छा दिखता है, देखने में भी अच्छा दिखता है। और इसका एक तो आपका इसका लाइफलाइन भी बढ़ता है क्यूरिंग टैंक का, और ऊपर से आपका फ़ायदा भी होता है। तो इसके लिए वीकली आपको एक एक टैंक साफ़ करना पड़ता है। हम क्या करते हैं कि वीकली हमने एक सीरियल बना दिया है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, कैसे ऐसे सात टैंक है, सात टैंक का सात नंबर डाल दिया। एवरी डे हमारी एक टैंक का क्यूरिंग क्लीनिंग डेज आ जाता है, तो उस हिसाब से हमारा एक टैंक जो है उस टैंक का पर डे ये आ जाता है, क्लीनिंग आता है, इससे वीकली एक टैंक साफ हो जाता है हमारा। तो कुछ इस तरह से हम इसका भी मेंटेनेंस करते हैं, अंदर से बाहर से भी इसको साफ़ करके ले लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आप मान लीजिए किसी का अगर कलर वगैरह ख़राब हो रहा है तो आप इसमें कलर भी यूज़ कर सकते हो। हमने इसमें ब्लैक कलर करके लिया, ब्लैक कलर हमने इंटरनल किया है, अंदर से किया, अंदर से करने से क्या है थोड़ा अच्छा दिखेगा ये, बाहर से हमने इसलिए नहीं किया कि बाहर से डस्ट वगैरह लगता है उसमें वो ख़राब दिखता है, तो इसके लिए हमने अंदर से ब्लैक कलर करके लिया है। तो आप भी इसमें कलर भी कर सकते हो, महीने में एक आधी बार अगर आपने इसमें कलर कर दिया तो शेवला जमने का जो चांस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और आपका टैंक भी साफ रहता है। अब जब क्लीन करते हो तो वो जल्दी क्लीन हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये जो मेंटेनेंस वाली जो वीडियो है लैब इक्विपमेंट के बारे में ये पता चला होगा कि किस तरह से कौन सा चीज़ की मेंटेनेंस करना है, कौन सा चीज़ की मेंटेनेंस करने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये चीज़ें आपको पता चली होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में करें, ताकि जब भी हम ऐसे ही टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, एंड और आपकी फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी टेक्निकल वीडियोज़ देखने का मौका मिल सके। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को